इस्लामाबाद ने इनविटेशन दिया है भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को कि वो इस्लामाबाद आए शंघाई कोऑपरेशन समिट में वार्तालाप के लिए, टॉक्स के लिए, पीस पार्लेस के लिए इत्यादि इत्यादि। ये एक अचंभा है, अपने आप में एक अजूबा है। बांग्लादेश के अंदर रेजिम चेंज कराने में उन्होंने CIA की मदद की है, एक अरब स्प्रिंग, एक कलर्ड रेवोल्यूशन ढाका में अंजाम देने के लिए। और उसके बाद पाकिस्तान वाकई सोचता है कि भारत उससे बातचीत करेगा। इन हथकंडों के बाद भारत पाकिस्तान से बातचीत करेगा? ये तो कुछ दिमागी हालात इनकी जो लगता है, इनकी मुसीबतों के मारे दिमागी हालात पाकिस्तान की सरकार की पतली हो गई, डगमगा गई कि भारत जैसा मुल्क हमसे बात कर रहा है, हमने भारत को हिला दिया। भारत में ढाई फ्रंट की सिचुएशन थी, अब हमने 3.5 फ्रंट की सिचुएशन पैदा कर दी है, जो सब कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी की रिस्ट्रक्चरिंग भारतवर्ष ने सन 1971 में करी थी वो हमने बिल्कुल अंडू कर दी है। और बांग्लादेश में एक जो जमायत इस्लामी को फिर से वो राजपाट दिला दिया है। अब ये कहाँ तक चलेगा पाकिस्तान का दबदबा, ये हथकंडा कितनी देर वो खींच पाएंगे, ये देखने की बात है। लेकिन हैरत की बात साहब ये है कि ये सब हथकंडे करते हुए भारत के बरखिलाफ पाकिस्तान इस उम्मीद में है कि भारत जाके इस्लामाबाद में हमारे प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करेंगे। किस लिए, क्यों, क्यों कर? ये तो वाकई ही दे हैव टेकन लीव ऑफ देयर सेंसेस। और अगर वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत इस डायलॉग में हिस्सा लेगा, शरीक होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बातचीत के में वो हिस्सा लेगा और हमारे प्रधानमंत्री के स्तर पे हिस्सा लेगा, तो दे हैव टेकन लीव ऑफ देयर सेंसेस। सलाम अलैकुम दोस्तों, ये बुड्ढा जनरल बख्शी सठिया गया है और इधर उधर की बातें कर रहा है। इसने ये कहा कि पाकिस्तान ने इन्हें इनविटेशन भेजा है PM मोदी को कि वो पाकिस्तान आए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करने के लिए। पहले तो ये बात कि पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 7 से 8 ममालिक शामिल हो गए हैं, सऊदी अरब भी शामिल हो गए हैं, तो ये सारे इस ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और आना पड़ेगा। दूसरा ये बात कि पिछले साल आपके अंदर यानी इंडिया के अंदर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, आपने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, PM शहबाज को इनवाइट किया था, बेशक वो नहीं किया, लेकिन दोस्तों बिलावल भुट्टो गए थे और वहाँ पर वो अपना बयानिया देकर आए थे, यानी हमने आपको इनविटेशन दे दिया है, आपने आना है नहीं आना आप बाहर में जाओ, हमारा सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनली ये काम बनता था कि हमने आपको इनविटेशन दे दिया है। हमने ये नहीं कहा कि आप हरगिज आए ही आएंगे और आप आकर हमसे बातचीत करें, ये पाकिस्तान का इंटरनेशनल फर्ज बनता था और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी करते हुए पाकिस्तान पर ये फर्ज था कि वो आपको इनविटेशन भेजे। अगर आपको पाकिस्तान इनविटेशन ना भेजता, आप फिर रोना शुरू कर देते कि हमें तो इनविटेशन ही नहीं भेजा, पाकिस्तान को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किया जाए, वो ऑर्गेनाइज करने के काबिल ही नहीं है। पाकिस्तान ने आपको इनविटेशन भेजा तो आप कहते हैं कि हम नहीं आए, आप बाहर में जाओ, आपको इतना सख्ती से बुलाए किसने, हमने इनविटेशन भेजा आना है, आओ नहीं तो बाहर में जाओ, आपका आना यहाँ पर ऐसा ही है कि आपका ना आना। हम नहीं चाहते कि PM मोदी एक बार फिर आए और फिर पाकिस्तान में टेररिज्म जो पहले ही अरूज पर है उसे और बढ़ावा दे दे, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं। गुलबशन यादव जैसी आपकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ही मौजूद है, जो कर्नल लेवल का एक नेवल ऑफिसर पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी कर रहा था, उसे पकड़कर पाकिस्तान ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो काम जो आप हमारे जिम्मे लगा रहे थे वो आप खुद पाकिस्तान में आकर कर रहे हैं।